आईपीएल 2020 में बुधवार को 48वें मैच में आबू धाबी में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को 5 विकेट से मात दे दी। मुंबई के सामने जीत के लिए 165 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सूर्य कुमार यादव के नाबाद 79 और जसप्रीत बुमराह के 3 विकेट की मदद से 19.1 ओवरों में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने अंतिम 4 में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने बेंगलोर की टीम उतरी और निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी। 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स से 8 विकेट से हारने के बाद इस मुकाबले में मैदान पर उतरी थी। दूसरी तरफ बेंगलोर भी चेन्नई सुपर किंग्स से 8 विकेट से हार कर दर्द लेकर मुंबई के सामने थी। मुंबई के कप्तान केरन पोलार्ड ने बेंगलोर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया। सबसे बड़ी बात, मुंबई अपने नियमित कप्तान रोहित शर्मा के बिना खेल रही थी। रोहित शर्मा चोटिल होकर बाहर हैं, यहां तक कि वो भारतीय टीम में भी अपनी जगह खो बैठे हैं। पहले तो ऐसा लगा कि उनकी जगह कप्तानी की बागडोर संभालने वाले केरन पोलार्ड इस दबाव को सह नहीं पाएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कुछ हद तक हार्दिक पांड्या ने उनकी चिंता को समाप्त कर दिया है। अब देवदत्त पड्डिकल, विराट कोहली और एवी डिविलियर्स जैसे खतरनाक बल्लेबाजों से सजी बेंगलोर को 164 रनों पर रोकने में कामयाब हुई, तो इसका पूरा श्रेय अपने यॉर्कर और बाउंसर से हैरान करने वाले जसप्रीत बुमराह को जाता है। उन्होंने केवल 14 रन देकर देवदत्त पड्डिकल, विराट कोहली और शिवम दुबे को पवेलियन की राह दिखाई। उनके अलावा स्पिनर कुणाल पांड्या को विकेट तो कोई नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में केवल 27 रन दिए। इन सब के बीच कप्तान केरन पोलार्ड ने एवी डिविलियर्स को राहुल चहर के हाथों कैच कराकर बेंगलोर की रीड तोड़ने का काम किया। यही वजह है कि बेंगलोर बड़ा लक्ष्य मुंबई के सामने नहीं रख सकी। वह तो देवदत्त पड्डिकल ने 45 गेंदों में 74 रन बनाए, वरना बेंगलोर शायद सम्मानजनक स्कोर भी नहीं बना पाती। अब जब मुंबई जीत गई है तो लग रहा है जैसे जीत उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मुंबई की जीत में सूर्य कुमार यादव ने अहम भूमिका निभाते हुए केवल 43 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। यह उनकी तेज तर्रार पारी का ही जलवा था कि जीत के लिए आवश्यक रन रेट कभी भी अधिक नहीं हुआ। उनके विकेट पर जमे रहने से दूसरे बल्लेबाज भले ही थोड़े बहुत रन बनाकर आउट होते रहे, लेकिन मैच कभी भी मुंबई की पकड़ से बाहर नहीं हुआ। यही वजह थी कि हार्दिक पांड्या भी खुलकर खेलते हुए 15 गेंदों पर 17 रन बना गए, जो मुंबई के लिए बेहद मददगार साबित हुए। सूर्य कुमार यादव अभी तक आबू धाबी में 335 रन बना चुके हैं। सूर्य कुमार यादव ने बेंगलोर के खिलाफ अपना अर्धशतक शाही अंदाज में केवल 29 गेंदों में पूरा किया। उनका अर्धशतक तब मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने पारी के 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर 3 चौके लगाकर मुंबई की पारी का सारा दबाव ही समाप्त कर दिया। उन्होंने अपनी मैच फिनिशर की भूमिका निभाते हुए भी खुशी जाहिर की। अब मुंबई को 31 तारीख को दिल्ली से और 3 नवंबर को हैदराबाद से मुकाबला खेलना है, लेकिन उसके सिर से अंतिम 4 में जगह बनाने की तलवार हट गई है। अब मुंबई शान से 12 मैचों में 8 जीत 4 हार और 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर अगर जगमगा रही है तो उसमें सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा योगदान है। 30 साल से अधिक उम्र में भी उनके बल्ले से आग निकल रही है, और अगर प्ले ऑफ में भी वह ऐसे ही चमकते हैं तो फिर मुंबई एक बार फिर चैंपियन बनने की उम्मीद कर सकती है।